हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरसी शर्मा और स्वागत है पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इससे पहले वाले पार्ट में कंप्लीट हो चुका है और आज हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है वह भी किसी समांतर श्रेणी का प्रथम से n-वां पद ज्ञात करने के सूत्र पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वहां पर एक समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4... का 30वां पद है। मतलब इस प्रकार से यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें कि पद आपके लगातार घट रहे हैं तो इसमें 30वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इस पूरे को विस्तार से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बार इसको विस्तार से ही हल करते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह इस प्रकार से है कि हम जानते हैं कि n-वां पद यदि हम ज्ञात करेंगे तो उसको दर्शाते हैं हम an से, और फॉर्मूला है उसका a+n-1d, जहाँ a समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n कौन से नंबर का पद है और d जो है उसे कहा जाता है ap का सार्व अंतर। तो हल करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को। तो यहाँ जो ap दे रखी है उसके अनुसार इसका जो प्रथम पद होगा वह हमारे पास में होगा प्रथम पद जिसे दर्शाया जाता है a से। तो समांतर श्रेणी का जो सबसे पहले वाला पद होता है वही होता है उसका प्रथम पद। अब ज्ञात करेंगे हम इसका सार्व अंतर। अब चूंकि सार्व अंतर एक बार ही आपको ज्ञात करना है, बार बार सभी पदों के बीच का अंतर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है कि यह एक एपी है, इसलिए आप सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा दीजिए तो हमारे पास में आ जाता है 7-10। हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -3, क्योंकि यह भी आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास विपरीत चिन्ह की संख्याएं हो तो आप बिना देखिए वहां पर बाकी कर दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए, बाकी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर n का जो मान है वह दे रखा है हमारे को कितना, 30। तो हमें ज्ञात करना है a 30 का मान। अभी हम इसको पूरा विस्तार से हल कर रहे हैं, बाकी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाइए और आंसर निकालिए, वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर चौकी n-वां पद ज्ञात करने का सूत्र, n-वां पद हम जानते हैं an बराबर a+n-1d। मान रखते हैं और हल करते हैं। मान रखिए a 30 बराबर a का मान 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुणा d का मान है -3 बराबर 10। ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है इस कारण से यह जो प्लस होगा वह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 में से 1 घटाएंगे हमारे पास में बच जाता है 29 गुणा 3। नेक्स्ट 10-29 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाता है 87। अब आपके पास में 10-87 बाकी करना है, हमारे पास में आ जाएगा 77 यानी 77। बड़ा चिन्ह माइनस का है इस कारण से संख्या हो जाएगी माइनस की, यानी 30वें नंबर पे दी गई समांतर श्रेणी का जो पद होगा वह -77 होगा और यह ऑप्शन हमें दे रखा है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, सी। यदि हमारे यहाँ से लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिख दीजिए और यदि टिक करना है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से हल करना है हमें 2 का 1। अब चूँकि यह तो हमने इसको पूरा विस्तार से समझा है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए आप सॉर्ट कर लीजिए। हाँ, यदि पूरा विस्तार से पूछा जाता है तो आप पूरा समझाइए उसको, बाकी अदरवाइज आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल इसको सॉर्ट कीजिए। आपको पता है कि चूंकि ए एन बराबर होता है a+n-1d, समय आपको बचाना होता है तो यहाँ पर हमारे पास में 10, यहाँ पर आपके पास में 30-1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में -3 बराबर 10-29 गुणा 3
बराबर आ जाएगा 10 माइनस 87 बराबर माइनस का 77। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। मतलब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको ये सभी चीज़ें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और मान रखिए और आंसर निकाल लीजिए। अब देखते हैं सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड जो दे रखा है वह एपी है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है। मतलब हमें उसी प्रकार से हल करना है, सूत्र वही होगा, वही तरीका होगा, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास में इसका प्रथम पद हो जाएगा a बराबर माइनस का 3। फिर हमें ज्ञात करना है इसका सार्व अंतर यानी d। सेकंड पद है -1/2, घटाना है हमें किसको, -3 को, तो माइनस में है ब्रैकेट में लिख लीजिए, बराबर -1/2। यहाँ पर ये माइनस होगा, इस माइनस को प्लस का बनाएगा, यहाँ पर +3/1। एलसीएम आ जाएगा इसका 2। जब भी भिन्नों में संख्या हो, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो बिना सोचे समझे आप एलसीएम लीजिए, उसको हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर हो गया प्लस का 6, बराबर आ जाएगा 5/2। तो सार्व अंतर हो गया ये। अब चूंकि सूत्र लगाना है, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, हमें ज्ञात करना है a 11। a का मान हम जानते हैं माइनस का 3 है, प्लस n का मान 11वां पद माइनस का 1 गुणा 5/2 बराबर माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, 10 बचेगा, यहाँ पर आएगा 5/2। यहाँ से 2 10 को काटेगा 5 बार, बराबर में आएगा हमारे पास में, बराबर में आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 5/5 यानी 25, बराबर 25 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 22, यानी 11वें नंबर पे जो पद होगा वह होगा 22। जब समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 दी गई है और सार्व अंतर हमारे को कितना मिला 5/2, तो सही आंसर होगा हमारा बी। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 2 ही क्वेश्चन आपको दिए गए थे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह बताना है कि जो रिक्त बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्स में कौन सा पद आएगा, यानी कौन सी संख्या आएगी, वो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पद 2, फिर यहाँ पर एक बॉक्स है और फिर आगे दे रखा है 26। यानी एक समांतर श्रेणी है जिसके 3 पद हैं 2, दूसरा जो पद है वहाँ पर खाली बॉक्स है और तीसरा पद है वो 26 है। तो अब आपको यह पता है कि समांतर श्रेणी का जो सबसे पहले वाला पद होता है उसे बोला जाता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो हमारे को यहाँ पर यह पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारे को दिया गया है। देखिए, एक नंबर पे 2 है, दूसरा पद खाली है, प्रथम पद 2 दे रखा है, दूसरा पद रिक्त स्थान है और तीसरे पद पे क्या है 26। इसका मतलब A1 का मान या A का मान 2, A2 का मान हमें ज्ञात करना है और A3 का मान कितना दे रखा है 26। तो जो मान दिए गए हैं, यानी जिस पद का मान दिया गया है, उन दोनों पदों को हल करना है और किसी भी प्रकार से आपको प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है, उसके बाद तो हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न को हल करते समय एक ही टारगेट रखना है कि किसी भी तरीके से आपको ए और किसका मान ज्ञात करना है, डी का। देखिए, प्रथम पद ए ये हमें दिया हुआ है 2, तो हमें ए ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रश्न में मिल चुका है। सेकंड हमारे को दूसरा पद वो हमें ज्ञात करना है, यानी ए टू हमारे को नहीं दे रखा, वो हमें ज्ञात करना है, जबकि तीसरा पद हमें दे रखा है। तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होता है A3, तो A3 का सूत्र हम जानते हैं A+2D। देखिए, प्रथम पद
ए, जिसको दर्शाते हैं ए वन से, कितना हो गया ए। दूसरा पद ए टू, पहले पद में क्या जोड़ेंगे डी। तो आपको पता है कि जिस नंबर का पद ज्ञात करना है उससे एक अंक कम आता है किसके पास में, डी के पास में। तो ए थ्री का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस दो डी। ए फोर का मान ज्ञात करें तो ए फोर बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस तीन डी। यानी जिस नंबर का पद है उससे एक अंक कम आता है डी के गुणा में, बाकी ए और डी तो रहता ही है। तो अब आपको चाहे कोई सा भी पद दिया गया हो तो आपको मान इन्हीं पदों से प्राप्त होंगे। तो ए थ्री का मान दे दिया ए प्लस दो डी, और इसका मान कितना है 26। तो यहाँ से देखिए, इस दिए गए मान से ही अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, डी का, क्योंकि आपको किसका मान ज्ञात करना है ए टू का। तो देखिए इस पद में ए की जगह मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो अब हमारे पास चौंकि ए प्लस दो डी बराबर कितना है 26। ए का मान हमारे को पता है दो है, तो ए की जगह रख देंगे दो, दो डी बराबर 26। इससे हम किसका मान निकालेंगे, डी का, तो दो डी बराबर 26, दो का इधर हो जाएगा पक्षांतरण, तो यहाँ पर आ जाएगा दो डी बराबर 24। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 24 बटा दो बराबर 12। यानी सार्व अंतर कितना मिल गया हमारे को, 12 मिल गया। तो अब हमारे को किसका मान ज्ञात करना है, दूसरा पद। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे अब दूसरा पद, बिल्कुल आसान है। a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी, और a का मान हमारे को पता है कितना है 2, और d हमने ज्ञात कर लिया कितना हो गया 12, तो बराबर कितना आ गया 14। तो दूसरा पद कितना होगा 14 होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है प्रश्न 3, यानी आपको हर पदों का पता है जिसमें कोई सा पद आपको दिया जाएगा, मतलब जैसे a प्लस डी दे दिया, a प्लस टू डी का मान दे दे, a प्लस थ्री डी का मान दे दे, तो इन पदों की वैल्यू आपको दी जाएगी और इनको आपस में हल करके a और d का मान ज्ञात करना है। जिस नंबर का पद पूछा जाता है उसका मान आप सूत्र में रख लीजिए और आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। प्रश्न 3 का सेकंड आपको दिख रहा होगा जिसमें पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद नहीं दे रखा और चौथा पद आपको दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको दूसरे पद और चौथे पद को हल करना है और उससे आपको a और d निकालना है, और प्रथम पद यानी a प्राप्त हो जाएगा और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है दूसरा पद, लिख लीजिए इसको दूसरा पद। तो दूसरा पद आपको पता है क्या होता है, a प्लस डी होता है, और इसका मान कितना दे रखा है 13, दूसरे नंबर पे 13 ही है। इसको मैंने एक तरह से दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आपको दे रखा है चौथा पद, आप लिख लीजिए यहाँ पर चौथा पद बराबर, चौथा पद हम जानते हैं कि a प्लस 3d होगा, क्योंकि चार नंबर का पूछ रहा है तो 3 आएगा d के पास में, वो कितना दे रखा है भाई आपको 3, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आपको हल करना है और आपको a और d का मान ज्ञात करना है, तो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए या 1 में से 2 को घटा दीजिए, कैसे भी करके आप इसको हल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए बायां पद a प्लस 3d माइनस, ब्रैकेट लगाइए तो a प्लस डी बराबर, दायां पद 3 घटाइए, दायां पद 13, ब्रैकेट को खोल लीजिए, a प्लस 3d माइनस a, माइनस अंदर वाले चिन्ह से गुणा हो रहा है इसलिए यह हो जाएगा माइनस का, बराबर हो गया 3 माइनस 13, तो माइनस का कितना बच गया 10। देखिए यहाँ से a, a से कट जाएगा क्योंकि a प्लस का है, a माइनस का है, a में से a को घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर d का मान दे रखा है 3d
और डी कितना है एक, तो तीन डी में से एक डी को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा दो डी बराबर इधर कितना है माइनस का दस, तो डी बराबर कितना मिला माइनस का दस बटा दो, क्योंकि दो नीचे आ जाएगा आपके पास में और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पाँच। तो माइनस का पाँच क्या है सार्व अंतर। तो अब हमारे पास जो डी प्राप्त हुआ है तो डी का मान आप समीकरण एक या समीकरण दो में रख लीजिए और आपको किसका मान ज्ञात करना है एक का। तो देखिए ए डी का मान माइनस पाँच है बराबर कितना हो गया तेरह, पाँच का पक्षांतरण कर दीजिए तेरह प्लस पाँच तो ए बराबर हमारे पास में आ जाएगा अट्ठारह। तो ए क्या होता है प्रथम पद, तो यह हो गया हमारे पास प्रथम पद और प्रश्न में प्रथम पद का कॉलम भी खाली था इसलिए हमारे पास एक मान तो यही प्राप्त हो जाता है। प्रथम कॉलम में कितना आ जाएगा 18। सेकंड ज्ञात करना है अब हमें इसका तीसरा पद, तीसरा पद वह होता है ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी, तीसरा ज्ञात कर रहे हैं तो डी के पास कितना आएगा दो, ए का मान है 18 प्लस 2 और डी का मान है माइनस 5 बराबर 18, 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 बराबर यहाँ पर आ गया 8। तो ए 3 का मान हमारे को मिल जाता है 8। तो अब हमारे पास जो रिक्त कॉलम है उन कॉलम में एक पद हमारे पास में आएगा 18 और सेकंड जो कॉलम है जो कि तीसरे नंबर का पद है वहाँ पर हमारे को कितना प्राप्त होगा 8। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एपी बनेगी वो कितनी हो जाएगी अब 18 कोमा दूसरा पद 13, तीसरा पद मिला हमारे को 8 और चौथा पद कितना है 3। देख लीजिए अंतर सभी में समान है 18 5 कम 13 5 कम 8 5 कम क्योंकि सार्व अंतर कितना मिला माइनस का 5, माइनस का 5 है इसका मतलब संख्याएं लगातार घट रही हैं, यदि प्लस का प्राप्त होता है इसका मतलब संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर 18 और 8 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको इसके सभी प्रश्न हल करने हैं, तरीका वही है, दो पद आपको दिए जाएंगे दोनों को हल करना है, दोनों को हल करके ए और डी निकालना है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड आपको दिख रहा है पहला पद दिया गया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद आपको दिया गया है। इसका मतलब ये दोनों मान आप ज्ञात करोगे तो पहले ए और डी किससे मिलेगा आपको पहले पद और चौथे पद से। तो पहला पद तो आपको दिया गया है इसका मतलब आपके पास में हो गया प्रथम पद, यहाँ पर लिख देंगे हल प्रथम पद ए बराबर कितना है 5 और दूसरा दे रखा है आपको कौन सा पद चौथा पद, तो ए 4 आपको मिल गया और वो कितना है ए प्लस 3 डी बराबर कितना दिया गया है 9 सही 1/2। तो आपकी यह मिश्र भिन्न में है तो सही करेंगे तो क्या करते हैं 2 का गुणा करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18 और ऊपर वाला जो अंश होगा उसको इसमें जोड़ते हैं तो 18 और 1 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/2। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं इसको a प्लस 3 डी बराबर 19/2, ए का मान आपको दिया गया है लिख लीजिए 5 प्लस 3 डी बराबर 19/2, 5 का करेंगे पक्षांतरण तो यहाँ पर आ गया 3 डी बराबर 19/2, 5 दाएं तरफ जाएगा माइनस का 1 आगे 3 डी बराबर पता है भिन्नों की संख्या क्या करना एलसीएम लेना, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 1 ही दे रखा है इसलिए 5 दूनी 10 बराबर 19 माइनस 10 विपरीत चिन्ह समझ गए बाकी कितना बचा 9/2। 3 डी है इसका मतलब 3 दूसरी संख्या के बटा में जाएगा तो यहाँ पर d बराबर 9/2, 3 आएगा बटा में यानी 1/3,
तीन का भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो d बराबर मिल गया 3/2। d क्या है? सार्व अंतर। प्रथम पद कितना है? 5, तो a मिल गया और d मिल गया। अब चाहे कोई सा भी पद हमें पूछे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहीं पर हल कर लेते हैं हम इसको। पहले ज्ञात करेंगे हम इसका सेकंड पद, तो नंबर फर्स्ट, दूसरा पद। बिल्कुल एक बार आप आराम आराम से इसको हल कीजिए, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाइए, अपने आप ही प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो दूसरा पद ए टू बराबर, हम जानते हैं ए प्लस डी होता है बराबर 5 + 3/2, वही एलसीएम लेना है 2, बटे में कुछ भी नहीं है, एक हो गया। यहाँ पर 10 + 3 बराबर 10 + 3 13/2, यानी दूसरा जो पद हमें प्राप्त हुआ वह होगा 13/2। सेकंड हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए तीसरा पद, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरा पद। तीसरा पद किससे दर्शाते हैं? A3 से। सूत्र क्या होगा? A+2D। कोई सा भी पद पूछा जाए हमें सिर्फ ए और डी की आवश्यकता है, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और समांतर श्रेणी के सार्व अंतर की हमें आवश्यकता है। तो ए का मान हमारे पास में है 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 और प्लस में कितना बचेगा 3, बराबर कितना मिला हमारे को 8, यानी तीसरा पद कितना है 8। तो जो रिक्त बॉक्स हैं उनमें हमारे पास संख्या आ जाएगी 13/2 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये हो गए हमारे पास इसके दो आंसर कंप्लीट। यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का।